सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। पितर कौन बनते हैं और ये पितर लोक कहाँ है और पितर कब तक पितर लोक में रहते हैं, कब उनका वहां से गति होती है, तो आपको थोड़ा जानकारी देता हूं। जब कोई जीव शरीर छोड़ता है तो शरीर छोड़ते ही यमदूत उसको संयमनीपुरी ले जाते हैं, जहां यमराज रहता है जिस नगरी में, वहां पर उनकी हाजिरी लग जाती है। हाँ, यही जीव है, बस हाजिरी लग गई, उसके बाद तुरंत यमदूत उसको वापस वहीं ले जाते हैं जहां उसकी डेड बॉडी पड़ी होती है, उसी घर में ले जाते हैं। उस घर में वो 12 दिन तक रहता है, वहां के क्रियाकलाप सब देखता रहता है, यहां तक कि अग्नि संस्कार को भी देखता है, अपने सिर को जलता हुआ भी देखता है, रोता हुआ देखता है। लोग कहते हैं पापा जी मर गए, अंकल जी मर गए, मम्मी जी मर गए, और वो कहना चाहता है मूर्खों कहां मरा हूं, मैं तो हूं। क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, ये आत्मा जलती शरीर जलता है। तो लोग कहते हैं कि मर गए, और वो व्यक्ति कहता है मैं तो हूं, मैं कहां मरा, क्योंकि आत्मा मरती नहीं। तो उस समय हर रोज पिंडदान प्रेत क्रिया की जाती है, तो 12 दिनों में एक शरीर अंगूठे के समान तैयार हो जाता है, उसको प्रेत शरीर बोलते हैं। वो आत्मा उस शरीर में डाली जाती है, जब घर का शुद्धिकरण होता है, ब्राह्मण भोजन होता है, उस दिन वो यात्रा करती है, उस घर से निकलती है, यमदूत ले जाते हैं। पहले वो सूक्ष्म शरीर में अवश्य थी, लेकिन अब की बार वो जब दोबारा जा रही है इस घर को छोड़कर, वो प्रेत शरीर में, उसको प्रेत शरीर बोलते हैं, अंगूठे जितना उसका आकार है, जो भी पिंड दान किया जाता उससे शरीर बनता है 12 दिनों में। जैसे गर्भ में 9 मास में बालक का शरीर तैयार होता है, जब शरीर तैयार होता है फिर वो बाहर दुनिया में आ जाता है, इसी प्रकार उन 12 दिनों में वो शरीर तैयार हो जाता, उसको नाम है प्रेत शरीर। उसमें यमदूत उस आत्मा को डाल देते हैं, यम फांस में बंदी रहती है, यद्यपि वो अपने शरीर में जाना चाहती है, जो शरीर छोड़ा था उसमें जाना चाहती है, लेकिन यम फांस में बंदी होने के कारण से मृत शरीर में नहीं जाती। उसके बाद उसका शरीर जब जलता है उसको भी जलन महसूस होती है, जब उनकी अस्थियां गंगा जी में डाली जाती हैं तब उनकी जलन समाप्त होती है। इसलिए स्नातनियों अपने बुजुर्गों की अस्थियों को गंगा जी में डाला करो, किसी और नदी में नहीं। हमारे पंजाब में एक ऐसा संप्रदाय भी नया चला हुआ है, उनके गुरु लोग कहते हैं कि अस्थियां व्यास में डाला करो, क्योंकि उनका आश्रम व्यास के किनारे है, घोर कलयुग है, तब तक उस आत्मा को जलन होती रहती है अग्नि संस्कार की, कब तक, जब तक उनकी अस्थियां गंगा जी में न डाली जाए। जिस दिन गंगा जी में अस्थियां समर्पित होती है भगवती गंगा जी की कृपा से, तब उनको शीतलता मिलती है, और उसके बाद 12 दिन में पिंड दान आदि करने से जो प्रेत शरीर तैयार होता है तो उसमें पहुंच जाता है। फिर घर की शुद्धि गंगा जल आदि छिड़क देते हैं, ब्राह्मण भोजन होता है, यज्ञ हवन होता है, घर की शुद्धि हो जाती है, सूतक निकल जाता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अलग अलग वर्णों में अलग अलग दिनों का इसमें है, कोई जुड़ने की 12 दिनों में अपने कुल की रीति के अनुसार आगे पीछे दिन होते हैं। तो उस समय फिर वहां से वो प्रेत शरीर में आत्मा जाती है, तब वो संयमनीपुरी दोबारा पहुंचती है, और दोबारा संयमनीपुरी पहुंचने में उनको 11 दिन लगते हैं। उस रास्ते का एक दिन यहाँ का एक महीना बीत जाता है, कालमान अलग अलग है, वहां वो 11 दिन में अब की बार पहुंचेगी और यहाँ पर 11 महीने बीत जाते हैं। तो हम लोग हर महीने में उनकी मृत्यु के दिन ब्राह्मण भोजन जो कराते हैं, हम कराते हैं एक महीने में एक बार, उनको मिलता है हर रोज, क्यों, क्योंकि वहां का एक दिन यहाँ का एक महीना बराबर। तो जब यहाँ 11 महीने पूरे हो जाते हैं, इधर उनके 11 दिन पूरे हो जाते हैं, तो वो संयमनीपुरी पहुंच जाते हैं। फिर वहां पर उनके कर्मों का दास्तां पूरी सुनाई जाती है, और वहां पर दिखाया जाता कि तुमने क्या क्या कर्म किए अच्छे और बुरे,
और कर्मों के अनुसार फिर उनको स्वर्ग भेजना या नरक वो तैयार। फिर जिस दिन उनका समाचार मिलता कि इतने साल के लिए इसको नरक में डाल दो, उसी समय वो अपने घर से को भूल जाता है। तब तक उसको जो खाना पीना खुराक मिलता है, जिस घर को छोड़ के गया उसी घर की खुराक उसको वहां प्राप्त होती है। यहाँ महीने में एक बार ब्राह्मण भोजन गौ माता को आदि सेवा करते हैं, वहां उनका रोज मिलता है। इसलिए हम लोग जब बरसी करते हैं पूरे 12 महीने में, बरसी नहीं, जबकि बरसी का मतलब तो वर्ष से होता है, साल से, लेकिन कभी भी आपने देखा होगा सनातन धर्म में जब बरसी करते हैं पूरे साल पे नहीं करते, 11 महीने पे करते हैं। क्यों? क्योंकि 11 दिन में व्यक्ति वहां पहुंचता है और रास्ते में भी अनेक संकट आते हैं उसके उपास। यदि वृक्ष कभी नहीं लगवाया, वृक्ष को कटवाया लेकिन वृक्ष नहीं लगाया, तो रास्ते में उसको धूप मिलती है और छाया नहीं प्राप्त होती, क्योंकि वृक्ष का कभी दान नहीं किया, वृक्ष लगाया नहीं है। इसे सबको अवश्य वृक्ष लगवाना चाहिए जीवन में। तो वहां तांबे की धरती, लोहे की धरती और संतप्त एकदम उस पे घसीटा जाता है। लोग सत्संग में जूते चप्पल चुरा लेते हैं, तो वहां पर वो नंगे पांव जिन्होंने चप्पल जूतों की चोरी की है और जूता चप्पल दान नहीं किया। सर में, सर के लिए तो आपके पास बहुत जूते हैं लेकिन किसी के पांव में पहनाने के लिए जूता नहीं। तो जिन्होंने कभी जूतों का दान नहीं किया तो उनको जूते नहीं, नंगे पांव। और तांबे की, लोहे की धरती एकदम तपती भी जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। रास्ते में बैतरणी नदी आती है, इसलिए प्रत्येक स्नातनी को गौ माता की सेवा और गौ दान करना चाहिए। फिर वो गौ माता की कृपा से वो बैतरणी नदी पार होते हैं, तब वो 11 दिन की कठिन यात्रा करके संयमनी पहुंचता है। फिर वहां पर उसको नरक की सजा सुनाई जाती है, फिर उसका इस घर से कोई संबंध नहीं रहता। इसलिए हम लोग 11 महीने में बरसी करते हैं, साल में नहीं। तो नरक तुरंत मिल जाता है, यदि स्वर्ग मिला उसको अच्छे कर्म किए तो स्वर्ग भी तुरंत पहुंचा दिया जाता है। लेकिन यदि उसको नरक स्वर्ग न मिल करके जन्म मिलना है, उसमें भी जानवरों का जन्म अगर मिला तुरंत मिल जाता है, लेकिन यदि मनुष्य का जन्म उसको तुरंत मिलना है तो उस समय तुरंत मनुष्य का जन्म न मिल करके उसको वेट कराया जाता है, इंतजार करो जन्म की, क्योंकि अभी तुम्हारे जन्म का संयोग नहीं बना। तुम्हारे कर्मों के अनुसार किसको तुम्हारा माता पिता बनना है, जहां तुम्हारे कर्मों का ठीक ठीक सुख दुख का विधान बन जाए धरती पर, जब तक न बने तब तक तुम वेट करो। और जब तुम्हारे पुण्य पाप के अनुसार पृथ्वी पर भोग के लिए तुम्हारे अनुकूल जब समय होगा तब तुम्हारा जन्म होगा, तब तक तुम वेटिंग रूम में जाओ। उसी वेटिंग रूम को हम कहते हैं पितृलोक। और जब कोई वेटिंग रूम में जाते हैं, ना उसको नरक वाला शरीर मिला यातना दे, ना उसको स्वर्ग वाला शरीर मिला भोग दे, ना वो भगवत धाम में गया भक्ति नहीं की, तो ऐसी स्थिति में उसका वही शरीर रहता है, उसका नाम है प्रेत शरीर, पितरों का शरीर। पितृ शरीर से उसको पितृ बना दिया जाता है। वहां के राजा अर्यमा होते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण की एक विभूति है, वो अर्यमा वहां के शासक हैं। तो वहां पर वो पितृ रहते हैं, कब तक रहते हैं, जब तक उनका जन्म का संयोग न बन जाए। तो पितृ केवल वो बनते हैं जो जन्म लेने की इंतजार कर रहे हैं। देखो नरक तो तुरंत इसलिए मिल जाता है कि नरक व्यक्ति अकेला भोगेगा, सुख दुख स्वर्ग में सुख और नरक में दुख व्यक्ति अकेला भोगता है, लेकिन इस मृत्यु लोक में कोई भी व्यक्ति अकेला सुख दुख नहीं भोगता, क्योंकि उसका परिवार उसके साथ होता है। जैसे यहां पर किसी को मृत्यु दंड दिया गया, तो पाप जिसने किया तो उसको मृत्यु दंड दिया, लेकिन दर्द तो उसके माता पिता को भी हो रहा है, अनाथ तो उसकी पत्नी बच्चे भी हो गए, तो दंड तो उनको भी साथ में मिल गया, तो यहां तो न्याय ठीक हो ही नहीं सकता। तो इस संसार में कभी भी सुख दुख व्यक्ति अकेला नहीं भोगता, उसका परिवार उसके साथी उसमें सम्मिलित होते हैं। इसलिए यहाँ पर एकदम जन्म इसलिए नहीं होता क्योंकि कई लोगों के सुख दुख का संबंध परस्पर हुआ करता है। जब तक ऐसा संयोग धरती पे न बने तब तक वो पितृलोक में रहता है, और पितृलोक का एक साल और यहाँ का पितृलोक का एक दिन यहाँ का एक साल बराबर होता है। हम साल बाद पिंड दान करते हैं, श्राद्ध करते हैं, वहां उनका रोज मिलता है, क्योंकि वहां का एक दिन यहाँ का एक साल बराबर हुआ करता है।